नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। ये हमारे किसान गंगानगर से सत्य बिश्नोई, जिन्होंने बाग लगा रखा है और गर्मियों में पानी की जैसी किल्लत होती है, जिन्होंने अभी से पानी का स्टॉक कर रखा है। ये है टिक्की, ये देखिए, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी नज़दीक से। पूर्ण रूप से इन्होंने भी भर रखी है, इनकी गर्मियों में अगर पानी की कमी आती है तो इन किसान के कमी नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने पहले से स्टॉक कर रखा है। संदीप जी, डिग्गी में कितने लीटर पानी आप बता पाएंगे और आपके गर्मी के सीजन में कितना पानी लगेगा? चलते हैं बाग की तरफ है, कुछ बाग की विशेषताएं बताएंगे हमें। खड्डा में गोल घेरो बना गया, पानी कम लगे, इनमें खाद दे दी और सारो पानी की बचत है। इन बाद में यहाँ खड्डा में बार बारी बेल लगा दिया, छोटी फसल है, बढ़िया आ गया बाग में। सागया बाग भी खोल। किसान भाई का कहने का मतलब ये है कि ये जो खड्डा बना रखा है ना, इसमें पानी देते हैं पाइप से, तो जैसे मान लो पूरे खेत को, ये देखिए, पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, खेत खाली पड़ा है। तो इस खड्डे में इन्होंने घिये के बीज और पेठा का बीज लगा रखा है, यानी फेल बेल वाली फसल लगा रखी है। जो ये खाली जगह पड़ी है उसमें बेल फैल जाएगी और उसको बेल को पानी नहीं टच होगा तो फल खराब नहीं होगा। ये देखिए, और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, इन किसान ने गाजर की खेती की है बाग के साथ में, तो गाजर भी बढ़िया कामयाब है। ये किसान ने, ये देखिए, गाजर लगा रखी हैं और ये साथ में किलो का बाग लगा रखा है। तो ये किसान नई मतलब टेक्निक के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं। अभी आगे मैं आपको और दिखाता हूँ, आगे इन्होंने लगा रखी है मटर बाग के अंदर, कि कौन सी फसल ज़्यादा कामयाब है। ये देखिए, ये लगा रखी है इन्होंने मटर। तो मतलब ये किसान है किस चीज़ में ज़्यादा कामयाब है। अब आगे इन्होंने लगा रखा है, ये देखिए, चना। ये देखिए, ये इन्होंने लगा रखा है चना। तो इन्होंने मतलब बदल बदल के फसल इसलिए लगाई है कि इनका टारगेट ये है कि अपने अगर खेत को खाली रखें, सिर्फ पौधे पौधे लगाएं तो वो जल्दी ग्रोथ करते हैं, या अंदर फसल कर लगाएं तो वो जल्दी ग्रोथ करता है, तो चेक भी हो जाएगा। और अलग अलग चीज़ें लगा रखी हैं तो इससे भूमि में भी फसल चक्र वाला सिस्टम हो जाता है, तो पौधे को कुछ अपने भोजन के जो तत्व हैं वो मिलते रहते हैं। तो किसान भाई ने अभी मुझे एक नई जानकारी बताई है, जो कुछ किसानों को शायद नहीं पता हो, तो वो किसान भाई भी आपको बताएंगे कि वो कौन सी नई जानकारी है। ये देखिए, ये मुंडा किसान की हाइट के बराबर है, यानी कि लगभग 6 फुट का मुंडा है ये, और हम आपको अब आगे ले चलेंगे धीरे धीरे उस तरफ जिस तरफ है लू की चपेट ज़्यादा आती है गर्मी के सीज़न में, तो यानी 5वें 6ठे 4थे महीने में, जिनसे बाग थोड़ा, ये देखिए, ये हम आपको दिखाने, ये संदीप जी यहाँ खड़े रहना बूटे के पास, ये देखिए, ये बूटा इतना मर रहे हैं, इससे आगे वाला बूटा भी वो देखिए छोटे, इससे आगे वाला भी बूटा हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये किनारे के बूटे हैं, पौधे हैं जो बिल्कुल ही ख़त्म जैसे है, मान लो इनकी कोई ग्रोथ नहीं है। कारण यही है कि इनको इस तरफ से लू ज़्यादा आती है, आगे कुछ है नहीं रुकने के लिए। तो अगर किसान भाई यहाँ इनका कहने के अनुसार, तो इनका कहने के अनुसार इन्होंने मुझे एक नई बात बताई आज, ज्वार वाली विधि, तो भी आपको ये संदीप जी बताएंगे कि ज्वार वाली विधि से क्या बेनिफिट है, बताइए संदीप जी। ज्वार साइड में बीज 10 फुट 5 फुट दूरी छोड़ गए तो भी उन लोग कौन लगे, 1-5-3 साइड बीज जा, एक साइड को गिरा जा, ज्वार जल्दी है अरे बड़ी कम लगा। तो ये थोड़े किसान है इसलिए हिंदी का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको इनकी भाषा का ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। इनका कहने का तात्पर्य है कि बाग के तीनों तरफ हम ज्वार बीज देंगे, 10 फुट का रो, यूं पास में नज़दीक में 10 फुट का रो बीज देंगे, तो जिससे ज्वार बढ़ जाएगी, पौधे से ऊपर हो जाएगी,
तो मतलब ज्वार की हाइट होती है वो लगभग 10 फुट तक होती है, और अभी पौधे की हाइट 6 फुट है, कोई 6 फुट है, कोई 7 फुट है, कोई 4 फुट है। तो इनको लू नहीं लगेगी, लू नहीं लगेगी तो मतलब पौधा गर्मी के सीजन में भी बढ़िया ग्रोथ करेगा। तो ये किसान भाई पिछले साल भी इन्होंने यूज़ किया था ज्वार विधि का, जिससे इनके पौधे कुछ सक्सेस हुए हैं। और पिछले साल तो क्या कि इन्होंने थोड़ी लेट बिजाई की थी, इसलिए ये किसान आपको बताएंगे कि बिजाई कब करनी उचित रहेगी। तो किसान भाई से निवेदन रहेगा आप बताइए कि बिजाई ज्वार की कब की जाए। मार्च के 2-3 सप्ताह में, तो ये कह रहे हैं मार्च के 2-3 सप्ताह में बिजाएंगे। तो संदीप जी आप ये पौधे की जड़ में क्या क्या देते हो? ये ज्यादा तो गोबर की खाद ही काम करती है, बाकी जिंक और पोटाश। अच्छा, वो फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में। तो संदीप जी ये जो आपने बाग के अंदर जो चना लगा रखा है, ये 1 एकड़ में चना कितना हो सकता है इस बाग में? 1 एकड़ में 15-20 क्विंटल के बीच में, मतलब बढ़िया चना हो जाएगा, जैसे साधारण खेत में होते हैं उसी तरह हो जाएगा। तो वो आपने वहाँ मटर मुटर भी बीज रखे हैं, गाजर भी बीज रखे हैं, वो घर के लिए हैं या बेचने के लिए हैं? वो बेच सकते हैं, घर के लिए रखो, जैसे भी छोटी फसल कामयाब है, मतलब बड़ी फसल कामयाब नहीं है। तो अभी संदीप जी आगे गर्मी के सीजन आ रहा है, तो गर्मी के सीजन में कुछ ऐसा बताइए आप जिसे किसान सावधान रहे, जैसे कोई कीट पतंगा है और मच्छर है तो ऐसी कोई बीमारी ले। किन्नू के बारे में बहुत ही कम चांस है, कोई बीमारी कम आती है इसके अंदर। अच्छा, ज़्यादा नहीं आती है, कोई नॉर्मल स्प्रे होती है। अच्छा, तो मतलब ज़्यादा वो विशेष वाली बात नहीं है गर्मी के सीजन में, तो सिर्फ लू से बचाने वाली मेन बात है। भाई लू से बचा लो, टाइम पर पानी देते रहो। तो गर्मी के सीजन में हम कितने दिनों से, मतलब किसान भाई इसमें बाग में पानी की सिंचाई करें? 1 महीने से। महीने से पानी देते रहे मतलब? हाँ, सर्दी में 2 महीने। अच्छा, सर्दी में 2 महीने से देते रहे। मेरे तरफ से राम राम भाइयों, नमस्कार।